हेलो फ्रेंड, बड़े बुजुर्ग का कहना है कि भगवान पे विश्वास रखो और उनका ध्यान जरूर करो, कुछ न कुछ पूजा पाठ जरूर करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा? क्या धन प्राप्त होगा? क्या शोहरत मिलेगी? गाड़ी बंगला होगा? तो मैं उनके लिए एक चीज बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ कि कुछ मिले चाहे ना मिले, एक चीज जरूर मिलता है कि हम गलत रास्ते पे नहीं जाते, हमसे कोई पाप नहीं होता है। अगर हम पाप करने के मूड में भी होते हैं तो भगवान का ध्यान आता है, तो ये अपने मन से जो पाप होता है वो नहीं आने देते। जब कभी हम गलत काम करते हैं तो भगवान का ध्यान होता है, और गलत काम हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान है ऊपर बैठा, वो देख रहा है। इसलिए हम भगवान का पूजा थोड़े ही समय के लिए करते रहें तो ये अच्छी चीज है, इससे बहुत लाभ मिलेगा, गलत रास्ते नहीं जाएंगे और दूसरों की मदद करें। अगर हम भगवान का पूजा पाठ करें या भगवान का ध्यान ही करें 2 मिनट 5 मिनट या उनके प्रति विश्वास ही रखें, तो एक चीज़ तो होता ही है कि गलत काम तो होता ही नहीं है, पाप तो होता ही नहीं है, और हम हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी आती है, एक ऊर्जा आती है जो कि हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान के प्रति इस आस्था थोड़ा बहुत तो रखना ही चाहिए, और ये हर व्यक्ति को चाहिए कि हम भगवान की अगर पूजा करें या पाठ करें या कुछ भी करें तो उसमें स्वार्थ ना लें, उसमें ये ना ले कि भगवान ये मनोकामना मेरी पूरा हो जाए, लेकिन हाँ थोड़े ही समय के लिए तो भगवान के आगे शीश जरूर नवाए। इससे फायदा यही होगा कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आपके बच्चे भी आपका देखेंगे तो भी अच्छे रास्ते पे रहेंगे, और आपका देख के बच्चे भी आपसे कुछ सीखेंगे, और शायद आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी रहेगा, और जिंदगी अच्छे से कट जाएगी और आपका कुछ भी खराब नहीं होगा। तो इसलिए भगवान के प्रति विश्वास होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और स्वार्थ ही नहीं सही लेकिन ऐसे ही अच्छे काम के लिए ही पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अपने मनीष को फॉलो करिएगा बंदा बनारस पे। धन्यवाद।